नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो जिन्जो टीवी। तो बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आया हूँ, और गला का हालत सुन के आपको तो खैर मालूम पड़ ही चुका होगा कि थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए लाइव भी नहीं किया कुछ दिनों से। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिसमस ट्री का कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रो ड्रैगन चाहिए, खैर एक ट्रेन के लिए सेट कर देता हूँ। ओके, गया 6 मिनट। ओके तो यहाँ पे आप खैर देख सकते हो मैं बर्थडे केक का एक कॉर्नर तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे हैलोइन ऑब्स्टेकल्स की तैयारी करूँगा, और लेफ्ट साइड में लूनार ईयर गिफ्ट जो कॉर्नर है उसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ओके तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में क्लैन गेम ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 जेम आर्मी बूस्ट आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे देख सकते हो कि अभी 3 दिन का टाइम वैसे है। यहाँ पे आइस विजर्स लेके 14 आइस विजर्स लेके 13 अटैक कंप्लीट करना है, तो मैं शायद इसको अभी से करना शुरू करूँ, क्योंकि मैं ये अटैक्स वैसे देता रहता हूँ हमेशा, और 1 जेम बूस्ट के साथ ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इससे जल्दी जल्दी ये इवेंट कंप्लीट हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटा सरप्राइज़। ठीक है, ये सेंटा सरप्राइज़ पे तो खैर कोई रिवार्ड्स है नहीं, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये जो बूस्ट का जो इवेंट आएगा इसके कारण ही मैं इंतज़ार कर रहा था, ये नॉट आइस कंप्लीट नहीं किया इसके कारण। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एक और साजिश की बात हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, क्लैन गेम कंप्लीट हो रहा है 42 मिनट में, और उसके बाद ही ये 1 जे आर्मी बूस्ट तैयार होना, मतलब इवेंट आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्लैन गेम्स के अंदर ये इवेंट क्यों नहीं दिया गया। आप जानते हो कि साल में एक बार ये 1 जे बूस्ट आता है, और ये फिर भी क्लैन गेम्स के अंदर नहीं दिया, क्योंकि बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी क्लैन गेम कंप्लीट कर लेंगे, और उनका बिजनेस या धंधा जो भी कहो खैर चौपट हो जाएगा। तो खैर कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसी बीच हम लोगों ने बिल्डर बेस में आई थिंक, हाँ यहाँ पे बिल्कुल हॉग ग्लाइडर एक्चुअली कह सकते हो, इसको अनलॉक कर लिया है, और हम लोग अभी बेलून को मैक्स कर रहे हैं। तो यही था बेसिक अपडेट्स। आपने क्या क्या किया आपने बेस पे शेयर जरूर कर सकते हो। न्यू ईयर का इवेंट आ रहा है, ठीक है, और पता नहीं न्यू ईयर में कौन सा गोल्ड पास आने वाला है और क्या क्या सरप्राइजेस पेंडिंग है, खैर हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग नज़र रखेंगे, और जितना जल्दी खबर आएगा मेरे पास उतना जल्दी मैं आप तक ये पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो, और मन पे कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अपना अपना आइडियाज़ जरूर शेयर कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।